आज आदमी LLB किए हुए है, BCOM किए हुए, MBA किए हुए, मगर वो उसको रोजगार न मिला न नौकरी मिली। और कांग्रेस नेता सिकंदर भाई की बातें सुनी तो भाई साहब दिल इमोशनल हो गया कि बताओ भैया कल से बेरोजगार बैठे हैं, अभी तक नौकरी नहीं मिली। वैसे आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद के जिला कांग्रेस कार्यालय पर नौकरी संवाद रखा गया था और इस दौरान शिवेंद्र पांडे पहुंचे थे, युवा सचिव है कांग्रेस के और अच्छे खासे नेता भी है, और बगल में भाई साहब हाथ में पर्चा लिए सिकंदर भैया बैठे थे। माजरा क्या है आप इन्हीं से सुन लीजिए, मामले की पूरी जानकारी दे रहे हैं और स्वागत भी जोर शोरों से हुआ। नौकरी संवाद करने की नौजवानों के अंदर निराशा का भाव है, जिस तरह मोदी जी 2014 में आने से पहले कहे थे 2 करोड़ नौकरियां लोग नौजवानों को देंगे, आज हमारे देश के जो नौजवान हैं पढ़े लिखे बेरोजगार बनकर टहल रहे हैं रोड पर, और उनके भविष्य की सरकार चिंता न करते हुए निरंतर नए नए फरमान जारी कर रही, इसलिए ऐसे कार्यक्रम की जरूरत है कि नौजवानों के अंदर निराशा का भाव ना आवे, वो आत्मनिर्भर बन सकें, अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकें, उनके गार्जियन उनके परिवार के लोग जिस तरह उनके पीछे पैसा खर्च किए हैं पढ़ाने लिखाने में, उनको अच्छी नौकरी नहीं पा रही है, तो इसलिए हमको ऐसा लगा कि नौजवानों के हित में ये होगा और ऐसे कार्यक्रम की जरूरत। क्या बुनियाद है जो आप कह रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है, कोरोना पीरियड में जो लोग बेरोजगार हुए उनके लिए सब दावे किए जा रहे हैं, तो आपके पास क्या बुनियाद है, क्या आधार है? ये जो आंकड़े अभी आपको हमने बताए यही हमारे पास बुनियाद क्या है, क्या है, क्या बुनियाद है भाई बताइए बताइए। बुनियाद ये है कि यूपी में हर दिन 3 बेरोजगार युवा करते हैं आत्महत्या, पिछले 30 सालों में 1000 कारखाने हुए बंद, लगातार कंपनियां कारखाने बंद हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, इससे लग रहा है कि नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है और उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है इस कार्यक्रम को लॉन्च किए हैं, हम लोग उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे, जो हम लोग से हो सके जो करेंगे। क्या रूपरेखा है इस संवाद की? संवाद की रूपरेखा है कि उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में हम बेरोजगार नौजवानों के लिए फॉर्मेट ये हम लोगों ने रखा है, ये जो है ये रिसीविंग हम लेंगे और एक नंबर हमने दिया है इसमें 91-527-91-517, इस पर वो मिस कॉल करेंगे, हमारे कार्यकर्ता उनके पास जाएंगे और उनको PCC में जो है ये नंबर चला जाएगा, वहाँ से एक SMS आएगा, उसको फॉर्मेट में भरेंगे और उसमें दिया गया है कि आप कभी नौकरी में थे, अगर हाँ थे, अगर मौके पर नौकरी में नहीं है तो उसको हम लोग ठीक करेंगे, कि आप अपने परिवार पर आर्थिक रूप से आश्रित हैं, अगर हैं तो उसको ठीक करेंगे, नहीं है तो भी ठीक करेंगे, क्या आप पर शिक्षा लोन है, अगर है तो उसको ठीक करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, बाकी उनका नाम फोन नंबर उम्र ब्लॉक जिला योग्यता इसको हम भरेंगे, उसके बाद उन लोगों को एक जगह बुलाएंगे, उनसे संवाद करेंगे। क्या लक्ष्य तय किया है इसके लिए? लक्ष्य एक ब्लॉक में 1000 बेरोजगारों तक हम लोगों को पहुँचने का लक्ष्य है 45 दिन के हर ब्लॉक में। तो भाई साहब कांग्रेस के नेता हर ब्लॉक में जाएंगे और बेरोजगारों को बटोर करके शायद रोजगार भी दिला देंगे, पर माजरा आप समझ चुके होंगे और बातें भी सुन ली होंगी, पर फिलहाल बाराबंकी जनपद समेत उत्तर प्रदेश ले सकते हैं।